नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं गैसोनोल टैबलेट की कैप्सूल्स के बारे में। फ्रेंड्स, का जो क्या काम है, इसे कॉम्पोजिशन से भी बात करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेंगे यहाँ पर कैल्सिस्ट्रॉल यहाँ पर डाला गया कॉम्पोजिशन, और उसके बाद डाला गया कैल्शियम कार्बोनेट एंड जिंक के सॉफ्ट जेल कैप्सूल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है, और ये मेडफोर कंपनी जैसे बनाया जाता है, और इसमें बहुत अच्छी इसका कैप्सूल। आगे हम बताते हैं क्या क्या इसका प्रयोग है। फ्रेंड्स, इस कैप्सूल का उपयोग हम बहुत सारी बीमारियों में कर सकते हैं, जैसे कि आप जान सकते हैं निम्न रक्त कोशिकाएं का स्तर नीचे उसमें कर सकते हैं, विटामिन डी की कमी कर सकते हैं, अस्थित गठन में कर सकते हैं, उम्र में संबंधित दुष्ट हानि में कर सकते हैं, यानी उम्र के साथ अगर किसी तरह कमजोरी है तो उसमें कर सकते हैं, अगर मुहासे तो उसमें कर सकते हैं, खून की कमी में इस टैबलेट कैप्सूल का प्रयोग कर सकते हैं, और अरुचि यानी खान पीन में अगर मन नहीं लगा तो उसमें आप इसमें इस टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं, रक्त की जमावट में आप इस कर सकते हैं, यानी थक रहा है आपको देख सकते हैं कैप्सूल। आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपको 15 के आसपास ये कैप्सूल मिलता है, जो आप देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं ध्यान, हम बहुत सारी ऐसी बीमारी उसके कर सकते हैं जो कि आपको शरीर में मतलब उम्र के साथ होने वाली विटामिन मिनरल्स की अगर कमी आपके शरीर में आ रहा है तो उसमें इसलिए उसको इसका प्रयोग कर सकते हैं। बात करें दुष्प्रभाव यानी साइड इफेक्ट, डिफरेंट अगर आप इसे गलत तरीके से या ओवर डोज ले लेते हैं तो आपको इसको कुछ दुष्प्रभाव देख सकते हैं, जैसे पेट में दर्द होना, उल्टी करना, पेट में गठन होना, सिर दर्द होना, यानी चक्कर आना, ये सब कुछ ऐसे साइड इफेक्ट आपको दिख सकते हैं, जो कि आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या सलाह के बाद इस टैबलेट को लेना चाहिए कि क्या हमारे शरीर में कैल्शियम या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, यानी कि कमी है, तो इस टैबलेट को उपयोग कर सकते, जो कि बहुत ही अच्छा टैबलेट, इसको डॉक्टर की तरफ से भी माना जाता है कि टैबलेट उपयोग किया जाता है या गैसोनोल। आगे हम बात करें, आपको हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, वहाँ से आपको जाकर आप इसे परचेज कर सकते हो, वो भी डॉक्टर की सलाह के लेने के बाद। ये आपको फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा आपको बजट नहीं आता, क्योंकि ये 15 कैप्सूल का आपको स्ट्रिप दिख ही रहा है, जो कि वही आपको आसपास यानी कि 180 के आसपास मिले, 150 रुपये के आसपास ये आपको मिल जाएगा टैबलेट मार्केट में। ये थी कुछ हमारे टैबलेट के प्रति सुझाव। अब हम बात करते हैं उसको लेना कैसे। फ्रेंड्स, लेने के लिए आपको तो रोगी और रोगी की बीमारी को देख कर इस टैबलेट को बताया जाए कितने इसको लेना है, कैसे इसको नहीं लेना है। अब बात करते हैं कुछ सावधानी के बारे में। फ्रेंड्स, इस तरह सावधानी बरतनी पड़ती है इस टैबलेट के प्रति। अगर आपको अग्निस्थल की बीमारी है तो इस टैबलेट को बिल्कुल भी न लें, और जैसे में कि कैल्शियम उच्च रक्तचाप हो तो इस टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर को जरूर पूछे, और अगर गर्भवती महिला हो या स्तनपान करने महिला हो तो एक बार जरूर डॉक्टर से पूछना न भूलें। गुर्दे की बीमारी हो या किसी दिल की बीमारी हो या पेट में अम्ल कम या ना हो तो इस टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर के पास अवश्य जाएं और उनसे कंसल्ट करें कि क्या हमारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, ये टैबलेट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इस टैबलेट के प्रति आपको बताया कि क्या क्या इसका यूज है, क्या इसका साइड इफेक्ट है, कैसे इसको हम यूज़ करेंगे। तो ये थी हमारे इस टैबलेट के प्रति कुछ ओपिनियन। आपको अगर किसी भी तरह के सवाल जवाब या किसी तरह की बीमारी से रिलेटेड कुछ बात पूछनी तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर मेडफोर हेल्थ सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको चैट करके हमें बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम, क्या आपको उसका इलाज चाहिए। अगर आपको ये कैप्सूल चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसी तरह की वीडियो फ्रेंड लाएंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।